हाय नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है प्रियंका और मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट जो कि है 12th का चैप्टर नंबर 2, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। लेकिन उसमें एक टॉपिक था पॉली एम्ब्रियोनिंग, जिसके बारे में हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था। हमने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से उसको जाना था, लेकिन इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड टू जिम्नोस्पर्म, भी पॉली एम्ब्रियोनिक पूछी जाती है एंड विच इज़ नॉट मैंशन इन द एनसीईआरटी। सो आई थॉट कि मैं आपको ये करवाऊँ, ठीक। तो हम जानेंगे आप पॉली एम्ब्रियोनिक के बारे में अच्छे से, देखिए और फुल लेक्चर के नोट्स आप ज़रूर बना लीजिए, ठीक है। तो पॉली एम्ब्रियोनिक, जैसा कि नाम इंडिकेट करता है, पॉली मतलब मल्टीपल, एम्ब्रियोनिक मतलब एम्ब्रियो का होना, ठीक है। तो एक से ज्यादा एम्ब्रियो का होना क्या हो जाता है, पॉली एम्ब्रियोनिक। तो एक सीड में जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो होंगे तो हम क्या कहेंगे, पॉली एम्ब्रियोनिक। तो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन द सीड इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनिक, समझ गए आप। और ये पॉली एम्ब्रियोनिक को सबसे पहले बताया था ल्यूइन हॉक ने 1719 में ऑरेंज में। सो हु डिस्कवर्ड पॉली एम्ब्रियोनिक, ल्यूइन हॉक इन 1719 डिस्कवर्ड पॉली एम्ब्रियोनिक किस में, ऑरेंज में। अब पॉली एम्ब्रियोनिक जो है वो ट्रू पॉली एम्ब्रियोनिक भी हो सकती है, फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनिक भी हो सकती है, लेकिन ये इसके टाइप्स नहीं आते हैं, टाइप्स फर्दर अलग से आते हैं। पहले तो इन जनरल की पॉली एम्ब्रियोनिक ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। नाउ व्हाट इज दिस ट्रू पॉली एम्ब्रियोनिक, तो आप स्क्रीन पे पढ़ने से पहले बेहतर है कि मेरे को सुन लें कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ट्रू पॉली एम्ब्रियोनिक में क्या होता है कि जैसे समझिए, एक ओव्यूल है, जैसे मैं बोलूंगी आप इमेजिन करते जाएंगे, एक ओव्यूल है, एक ओव्यूल में न्यूसेलस होगा, है ना, इंटेग्यूमेंट्स होंगे या फिर न्यूसेलस भी होगा। न्यूसेलस में जो है वो एक एम्ब्रियो सैक होगा, समझ गए। जब उस एक ही एम्ब्रियो सैक में एक से ज्यादा एम्ब्रियोज बन जाएंगे तो हम उसको कहेंगे ट्रू पॉली एम्ब्रियोनिक। तो मतलब इसमें क्या हुआ, ट्रू पॉली एम्ब्रियोनिक में एक ही एम्ब्रियो सैक होता है और उसी में जो है वो दूसरा एम्ब्रियो भी बनेगा। एक तो ट्रू एम्ब्रियो होगा और ट्रू एम्ब्रियो के साथ में ही कोई दूसरा या तीसरा एम्ब्रियो भी बन सकता है, बट विद इन द सेम एम्ब्रियो सैक, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रू पॉली एम्ब्रियोनिक। चलिए आइए पढ़ते हैं, देखिए एडिशनल एम्ब्रियो, ट्रू पॉली एम्ब्रियोनिक में पढ़ रहे हैं हम, एडिशनल एम्ब्रियो अराइजेस इन द एम्ब्रियो सैक बिसाइड्स द ट्रू एम्ब्रियो आइदर बाय क्लीवेज ऑफ जाइगोट और फ्रॉम न्यूसेलस सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स। तो ट्रू पॉली एम्ब्रियोनिक में क्या हो सकता है कि एक ही एम्ब्रियो सैक में जो है एक ट्रू एम्ब्रियो के साथ में कोई दूसरा एम्ब्रियो भी बन सकता है, या तो वो उसी जाइगोट की क्लीवेज की वजह से बनेगा, मतलब जाइगोट दो हिस्सों में टूट जाएगा और दो एम्ब्रियो बन जाएंगे, या फिर न्यूसेलस की सेल्स एम्ब्रियो सैक में एंटर कर जाएंगी, या सिनर्जिड्स जो हैं वो एंटर कर जाएंगे, एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जिड तो अंदर ही होते हैं, हो सकता है सिनर्जिड एम्ब्रियो सैक बना दें या एंटीपोडल सेल्स जो हैं वो एम्ब्रियो सैक बना दें। तो ये हो गया ट्रू पॉली एम्ब्रियोनिक, जिसमें एक ही एम्ब्रियो सैक में एक से ज्यादा एम्ब्रियोस हो सकते हैं। तो फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनिक में क्या हो जाएगा, फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनिक में जो दो एम्ब्रियो बनेंगे वो दो अलग एम्ब्रियो सैक में बनेंगे, तो उसको हम बोलते हैं फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनिक, ठीक है। तो चलिए देखिए फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनिक को पढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ टू और मोर एम्ब्रियो सैक विद इन द सेम न्यूसेलस। अब यहां पर बोला है दो और दो से ज्यादा एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट एक ही न्यूसेलस में, एंड द एम्ब्रियोज आर डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट एम्ब्रियो सैक इन द ओव्यूल, ठीक है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्या हुआ कि जो न्यूसेलस है उसमें किसकी डेवलपमेंट हुई, दो या दो से ज्यादा अलग अलग एम्ब्रियो सैक की हुई, और जो एम्ब्रियो होंगे वो अलग अलग एम्ब्रियो सैक में बनेंगे, तो ये हो गया फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनिक। तो आई होप आपको क्लैरिफाई हो गया है, ट्रू पॉली एम्ब्रियोनिक में एक ही एम्ब्रियो सैक में दो से ज्यादा एम्ब्रियोस बन सकते हैं, फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनिक में जो है वो ज्यादा एम्ब्रियो सैक बन सकते हैं, और अलग अलग एम्ब्रियो सैक में जो है आपको एम्ब्रियोस देखने को मिलेंगे, ठीक। तो चलिए आइए बात करते हैं ओरिजिन एंड टाइप्स ऑफ पॉली एम्ब्रियोनिक में, जिसमें जो आपने ट्रू फॉल्स पढ़ा उसी के बेसिस पे आगे अलग किया गया है। तो सबसे पहले आता है सिंपल पॉली एम्ब्रियोनिक, ठीक।
अब इसमें क्या होगा, सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी जो है वो फॉल्स टाइप की हो सकती है। देखिए इसमें क्या हुआ, एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनेंगे ठीक सेम ओव्यूल में, और एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक बनेंगे। पहले तो एक ही ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक बन सकते हैं। टू में हमने क्या कहा था कि एक ही एम्ब्रियो सैक में ज्यादा एम्ब्रियोज बनेंगे, लेकिन सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या हुआ कि जो मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल ने क्या बनाया, मेगास्पोर मदर सेल क्या बनाती है, टेट्राड बनाती है। उसमें से एक मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल रहता है, होता है ना। हो सकता है कि कई बार जो है वो ज्यादा, एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक बन गए हैं, एक से ज्यादा जो एम्ब्रियो सैक बन गए तो उनमें क्या बनेगा, अलग अलग जाइगोट बनेगा, अलग अलग एम्ब्रियोज बनेंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अलग अलग एम्ब्रियो सैक बने हैं तो अलग अलग पॉलन जो है वो जर्मिनेट, दो तीन पॉलन आके अगर वहां जर्मिनेट हो रहे हैं तो वो वहां पे फर्टिलाइजेशन करा देंगे अलग अलग एम्ब्रियो सैक में जाके। होगा ऐसा कि नहीं होगा? तो सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी में सिंपल समझिए कि एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक होंगे एक ही ओव्यूल में, और वो एक से ज्यादा जाइगोट और बहुत सारे एम्ब्रियोज बनाएंगे। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी। मोर देन THAN होगा यहाँ पे, मोर देन वन एम्ब्रियो सैक आर फॉर्म विद इन द सेम ओव्यूल फॉर्मिंग मोर देन वन जाइगोट एंड मैनी एम्ब्रियोज। तो इन सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी एक ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक बनेंगे और उन एम्ब्रियो सैक में एक जाइगोट या एक से ज्यादा जाइगोट हो सकते हैं, तो अल्टीमेटली ज्यादा एम्ब्रियोज हो सकते हैं। सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी का एग्जाम्पल आता है ब्रेसिका। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लीविज पॉलीएम्ब्रियोनी, जो आपने पढ़ा था ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी में, कि ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या हो सकता है कि एक ही एम्ब्रियो सैक में एक से ज्यादा एम्ब्रियोज होंगे और जो एम्ब्रियो बनेगा वो जाइगोट की क्लीवेज से भी बन सकता है। तो यही है क्लीविज पॉलीएम्ब्रियोनी। इसमें क्या होता है, जाइगोट जो है वो क्लीव हो जाता है, टूट जाता है, और जिससे बहुत सारे एम्ब्रियोज जो है वो बन जाते हैं। तो देखिए क्लीविज पॉलीएम्ब्रियोनी, इन दिस जाइगोट गेट क्लीव्ड एंड मेनी एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड। तो क्लीविज पॉलीएम्ब्रियोनी में जाइगोट में क्लीवेज हुआ और बहुत सारे एम्ब्रियो बने। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लीविज पॉलीएम्ब्रियोनी स्पाइनस। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पाइनस में कौन सी पॉलीएम्ब्रियोनी आपको देखने को मिलती है, तो पाइनस में आप देखते हैं क्लीविज पॉलीएम्ब्रियोनी। समझ गए आप? देखिए आगे नीचे आपको डायग्राम भी दिखाया गया है कि क्लीविज पॉलीएम्ब्रियोनी होती है कोनिफर। अब कोन बनता है, पाइनस में क्या बनता है बेटा, कोन बनता है ना, तो इसीलिए ये कोनिफर्स हैं। तो मोस्टली कोनिफर्स में क्लीविज पॉलीएम्ब्रियोनी होती है। क्लीविज पॉलीएम्ब्रियोनी देखिए, ये एम्ब्रियो है, सस्पेंसर इसमें दिखाया गया है। देखिए किस तरह से जो है वो, मतलब जाइगोट में कैसे क्लीविज हो रही है, दिखाई दे रहा है ना आपको। तो तीन हिस्सों में जो है वो क्लीव हो गया जाइगोट, तो उसके बाद तीन नए एम्ब्रियोज बन गए, तो इसको बोल दिया क्लीविज पॉलीएम्ब्रियोनी, जिसमें जाइगोट में क्लीविज हुई और एक से ज्यादा एम्ब्रियोज बने। अब कि एडवेंटिशियस पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है, तो सुनिए, अब यही जो एनसीईआरटी पे दिया गया है, दैट इज नॉट क्लीविज पॉलीएम्ब्रियोनी, दैट इज एडवेंटिशियस पॉलीएम्ब्रियोनी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को कि एडवेंटिशियस पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है। एडवेंटिशियस पॉलीएम्ब्रियोनी भी ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी है, पहली बात। दूसरी बात, ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी है इसका मतलब इसमें एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक जो है वो नहीं बनेंगे, एक ही एम्ब्रियो सैक होगा, क्योंकि ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी में एक ही एम्ब्रियो सैक होता है। ठीक है, ठीक है, मान गए मैम आपकी बात, पर मैम इसमें तो क्लीवेज नहीं होगी। हाँ बेटा, इसमें क्लीवेज नहीं होगी। इस केस में क्या होता है एडवेंटिशियस पॉलीएम्ब्रियोनी में, कि या तो मतलब जाइगोट के अलावा क्या हो सकता है, जो बाहर न्यूसेलस है, न्यूसेलस की कोई सेल डिवाइड करेगी और एंटर कर जाएगी एम्ब्रियो सैक में, और जब वो एम्ब्रियो सैक में चली गई, एंटर हो गई, तो हमने उसको क्या बोल दिया, हमने उसको अब क्या बोला, एक और एम्ब्रियो बन गया, लेकिन वो क्या फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी नहीं है। उसमें एक ही एम्ब्रियो सैक में दूसरा एम्ब्रियो बन गया, लेकिन वो दूसरा एम्ब्रियो जो है वो कहां से आया, न्यूसेलस की सेल से आया। इसी तरह से सिनर्जिड भी जो है वो क्या बना सकते हैं, एम्ब्रियो बना सकते हैं, एंटीपोडल सेल एम्ब्रियो बना सकती है, हो सकता है इंटैग्यूमेंट का कोई सेल एम्ब्रियो सैक में एंटर कर जाए और वो वहां पे एम्ब्रियो बना दे। तो इस तरह से होती है एडवेंटिशियस पॉलीएम्ब्रियोनी, विच इज अ पार्ट ऑफ ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी। ओके, चलो नाउ लेट अस स्टडी दिस, एक बार रीड दिस। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इन दिस सम सेल्स ऑफ न्यूसेलस और इंटैग्यूमेंट मे एंटर द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप्स into embryo
resulting in the formation of polyembryos in the one embryo sac. अब हुआ क्या? Adventitious polyembryony में इसमें कुछ सेल न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट की में एंटर द एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक में एंटर कर सकती हैं और एम्ब्रियोसैक में एंटर करने के बाद वो नया एम्ब्रियो बना देंगी उसमें, तो जिससे एक ही एम्ब्रियोसैक में आपको एक से ज्यादा एम्ब्रियोस देखने को मिलेंगे. तो ये किसका टाइप आया? पॉली एम्ब्रियोनी का. और यही एनसीईआरटी भी दिया है, तो एग्जाम्पल है आपके पास सिट्रस एंड मैंगो. एग्जाम्पल सबके बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक, तो चलिए यहाँ पे देख सकिए, ये आपको दिखाई दे रहा है सिट्रस ओव्यूल यंग सीड इंसेक्शन शोइंग नॉर्मल न्यूसेलर एडवेंटिटिव पॉलीएम्ब्रियो. देखिए दिखाई दे रहा है आपको क्या हुआ, यहाँ पे दिख रहा है कि जो इसकी सेल्स हैं, किसकी सेल्स हैं बताइए, किसकी सेल्स बेटा बताएंगे आप? न्यूसेलस की जो सेल्स हैं वो क्या कर रही हैं? वो बहुत सारे जो हैं वो एम्ब्रियो बना रही हैं. देखिए इंटेग्यूमेंट न्यूसेलस, एक है नॉर्मल एम्ब्रियो, उसके साथ क्या है न्यूक्लियर एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म. तो बहुत सारी जो है वो क्या बन जाती हैं, क्या बन जाती हैं, एम्ब्रियोज बन जाते हैं. ठीक है, एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज बन जाएंगे. ठीक है, चलिए अब ये क्लीविज और एडवेंटिशियस पॉलीएम्ब्रियोनी जो हैं ये इसके अंडर आएंगे, एक तरह से ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी के अंडर ही आते हैं. अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वो कई बार आपको एंडोस्पर्म से भी देखने को मिलता है. ठीक है, कई बार एम्ब्रियो एंडोस्पर्म से भी डेवलप हो सकता है. तो जिस केस में एम्ब्रियो डेवलप होगा एंडोस्पर्म से, पहली बात तो वो पॉलीएम्ब्रियोनी होगी, दूसरी बात ऐसा एम्ब्रियो जो एंडोस्पर्म से डेवलप करेगा उसका प्लोइडी कैसा होगा, 3N, कहीं ना कहीं उसका प्लोइडी कैसा होगा, 3N होगा. बेलेनोफोरा इसका जो है वो एक एग्जाम्पल है. ठीक है, यहाँ पे आपको पॉलीएम्ब्रियोनी दिखाई दे रहा है. देखिए एंटीपोडल एम्ब्रियो, जाइगोटिक एम्ब्रियो, ये मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि मैंने कहा था आपको कि कई बार जो है वो मेन एग, एक तो एग एग को फ्यूज होके जो जाइगोट बनता है और जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एक तो वो एम्ब्रियो हो गया, दूसरा जो है वो हो सकता है सिनर्जिट से बन जाए, हो सकता है एंटीपोडल सेल से बन जाए. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंटीपोडल सेल से जो है वो एक एम्ब्रियो बन रहा है. ठीक है, तो ये है अल्मस ग्लाब्रा में शोइंग जाइगोटिक एंड एंटीपोडल एम्ब्रियो. तो आई होप आपको पॉलीएम्ब्रियोनी क्लियर हो चुका है कि पॉलीएम्ब्रियोनी एग्जैक्टली होती क्या है. जैसे मैं बोलूंगी क्लीविज पॉलीएम्ब्रियोनी तो आपके दिमाग में बेहतरी से आ रहा है कि क्लीविज पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, जिसमें एक जाइगोट जो है वो अलग अलग हिस्सों में क्लीव हो जाएगा और एक से ज्यादा एम्ब्रियोज जो है एक ही एम्ब्रियो सैक में बना देगा. एडवेंटिशियस पॉलीएम्ब्रियोनी में एक ही एम्ब्रियो सैक में और भी एम्ब्रियोज बन जाएंगे, किसकी वजह से, या तो न्यूसेलस सेल उसमें एंटर कर जाएगी, मेनली यही होता है कि न्यूसेलस की सेल जो है वो एम्ब्रियो साइट में एंटर कर जाती है और या वहां पे जो है एक और एम्ब्रियो बना देती है. ट्रू और फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनिक भी आपको समझ आया होगा. दैट्स ऑल अबाउट पॉलीएम्ब्रियोनी. रिमेंबर क्लीविज पॉलीएम्ब्रियोनी जो है वो आपको किसमें देखने को मिलता है, पाइनस में देखने को मिलता है. थैंक यू, स्टे सेफ.